हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। बिजनेस मंत्रा चैनल के माध्यम से हम घरेलू महिलाओं, ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारों के लिए नए बिजनेस आइडियाज़, कैरियर, मोटिवेशन, मार्केटिंग, अर्न मनी आदि के बारे में जानकारी देते हैं। इस वीडियो में एक और नए बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस न होते हुए भी बिजनेस की तरह चलन में आ जाते हैं। ऐसे बिजनेस को क्रिएट बिजनेस कहा जाता है। जैसे किसी को रेंट पर रूम या शॉप दिलाना, इसके बदले कमीशन लेना, यह कोई बिजनेस नहीं है। इसके बावजूद यह बिजनेस काफ़ी चलन में है। यह क्रिएट बिजनेस है। अब यह बिजनेस का रूप धारण कर चुके हैं, जिसे सब लोगों ने भी मान लिया है। आज हम ऐसे ही एक क्रिएट बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। यह बिजनेस है OLX पर खरीदो, OLX पर बेच दो, क्विकर पर खरीदो, क्विकर पर बेच दो, या फिर OLX पर खरीदो, क्विकर पर बेच दो, क्विकर पर खरीदो, OLX पर बेच दो, या इसे हम OLX एंड क्विकर बिजनेस कह सकते हैं। यदि आप में चीज़ें सेल करने का हुनर है तो आप इस बिजनेस को अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप इसे शुरू कर धीरे धीरे इसे सीख सकते हैं। कुछ ट्रिक्स अपना कर इस बिजनेस से अच्छी कमाई कर सकते हैं। OLX, क्विकर ऐसी अनेकों सेलिंग साइट है जहां पर लोग पुराने सामानों की खरीदी बिक्री करते हैं। यहां हमने दो वेबसाइट OLX, क्विकर का उल्लेख किया है। ये दोनों वेबसाइट पुराने सामानों की बिक्री के लिए काफ़ी लोकप्रिय वेबसाइट है। दोनों वेबसाइट पर लोग अपना पुराना सामान बेचते हैं, उसे दूसरे ज़रूरतमंद खरीदते हैं। आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, बस इसमें कुछ ट्रिक लगाना है। OLX से अपनी पसंद का सामान खरीदें, उस पर कुछ रेट बढ़ाकर अपने ID से उसे बेच दें। ऐसे ही क्विकर से खरीद कर क्विकर पर ही बेच दें, या फिर OLX से खरीदें, क्विकर पर बेच दें। किसी भी चीज़ों की सेलिंग में जो बढ़ा हुआ रेट होगा वही आपकी इनकम होगी। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप OLX या क्विकर से किसी भी सामान को खरीदें, पहले सेलर से उस सामान का रेट जितना कम करा सकते हैं उतना कम करवाएं। इस खरीदे गए माल में 5 से 10% बढ़ाकर उसे दूसरे साइट पर या उसी साइट पर बेचने के लिए पब्लिश कर दें। यह काम काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला है। इसे शुरू करने के बाद धीरे धीरे इसके बारे में समझ आ जाएगी। हम यहाँ कुछ टिप्स दे रहे हैं, इसे आजमा कर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मार्केट के चलन के बारे में पता करें, लोग किन किन चीज़ों को खरीदना पसंद कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों की खरीदी बिक्री करें। नए प्रोडक्ट के बजाय पुराने प्रोडक्ट को खरीद कर बेचें। असल में नए प्रोडक्ट की प्राइस ओपन होती है, उसमें कुछ रेट बढ़ाने पर सबको पता चल जाता है। OLX या क्विकर पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो सिर्फ उस पर ही सेलिंग के बारे में पब्लिश करके चुपचाप न बैठ जाए। इसे सोशल मीडिया पर डिटेल शेयर करें। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी पब्लिश करें। अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इन व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में शेयर करें। जितने अधिक ग्रुप में शेयर करेंगे, प्रोडक्ट के जल्दी सेलिंग होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। व्हाट्सएप द्वारा बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो व्हाट्सएप बिजनेस को देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोडक्ट को अपने पास अधिक दिनों तक न रखें। बार्गेनिंग के बाद इसमें यदि 5 से 10% भी मिल जाता है तो इसे सेल कर नए प्रोडक्ट खरीद कर सेल के लिए पब्लिश कर दे। इस बात का ध्यान रखें, इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के पहले एक बार वह जरूर बार्गेनिंग करता है। इसलिए रेट को कुछ बढ़ाकर रखें ताकि प्रोडक्ट सेल होने के बाद 5 से 10% का प्रॉफिट मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह नया बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा, इसे लाइक करें।
दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।